हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लिपिका चौधरी। आज जो मैं दिखाने वाली हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको बैम्बू प्लांट। जो घर में लगाते हैं ना बैम्बू प्लांट, लाकी प्लांट वो नहीं है, मैं बड़ा पेड़ दिखाऊंगी जो हमेशा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो कोई कोई तो लोग है कभी बैम्बू प्लांट कभी नहीं देखे, तो आज मैं उन लोगों के लिए बैम्बू प्लांट दिखा रही हूँ। बैम्बू प्लांट हमारा स्टेट में है, बहुत सारी है। एक्चुअली त्रिपुरा में बैम्बू प्लांट बहुत होते हैं। देखिए आप आज पहले देख लीजिए बैम्बू प्लांट कैसे होते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ होते हैं बैम्बू का। देखिए कितना दूर तो गया है। बहुत मॉर्निंग टाइम है, इसलिए थोड़ा दिखने में थोड़ा लाइटिंग नहीं है, लाइट नहीं पड़ रहा है। खुले आम में बैम्बू प्लांट होता है एक्चुअली। किसी का घर के आंगन के पास नहीं होते हैं, थोड़ा दूर में ही होते हैं, जंगल में होते हैं एक्चुअली। तो बैम्बू प्लांट तो मेरे घर के थोड़ा सा दूर में बैम्बू प्लांट है, तो मैं सोच रही हूँ आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए कितना बड़ा बैम्बू प्लांट। देखिए बैम्बू प्लांट कितना सा, एक एक करके बैम्बू होते हैं। हमारे स्टेट में बैम्बू से फर्नीचर बनाया जाता है, बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत क्लासी लुक होते हैं बैम्बू के फर्नीचर, बैम्बू की जो ऑर्नामेंट, गले का हार, इयर रिंग, मैंने सब कुछ बैम्बू से होते हैं हमारे स्टेट में। कभी आप लोग आएंगे तो बैम्बू से देखेंगे कितना बैम्बू से होते हैं त्रिपुरा स्टेट में, खूब सुंदर होते हैं। देखिए बैम्बू प्लांट, दूर में और भी एक बेम्बू का झाड़ी है, दिखाई दे रहे हैं। और भी बैम्बू प्लांट है, मैं दिखा रही हूँ। ये एक बैम्बू प्लांट है, मैं दिखा रही हूँ। हाँ, ये नजदीक से देख सकते हो, ये एक बैम्बू प्लांट है। बैम्बू की एक खासियत होते हैं, जो बैम्बू से इधर में घर भी बनाया जाता है, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। अदर स्टेट में अगर बेम्बू फर्नीचर मिले तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और त्रिपुरा से ही जाते हैं। बेम्बू का जो हैंड बैग होते हैं, बेम्बू का बड़ा बैग, बेम्बू का फर्नीचर, सोफा वगैरह, पलंग, सब कुछ मिलते हैं बेम्बू से, बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर अदर स्टेट में मिले तो त्रिपुरा से जाता है, ये एक्सपोर्ट होता है फर्नीचर। कभी कभी बाहर में भी एक्सपोर्ट होते हैं ये फर्नीचर। ये बेम्बू का पत्ता है, ये पत्ता, और इसको जतन करने के लिए कोई खासियत नहीं है, अपने से ही होता है, अपने से ही उगता है, कोई मैंने केयर नहीं करना पड़ता है बेम्बू प्लांट को, ऐसे ही होते हैं। और त्रिपुरा में गांव में कभी कभी दिखाई देता है बेम्बू से बाउंड्री
जो वॉल है ना, हम लोगों शहर में जे देते हैं बाउंड्री वॉल, बेम्बू से देते हैं जो बाउंड्री वॉल, बेम्बू से बना कर देते हैं, बहुत सुंदर देखते हैं। कभी गांव में जाऊंगी तो आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। वो देखिए कितना सुंदर है बेम्बू, इसको जो रूट है, रूट ऐसे है, रूट है ऐसे है, नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ये बेम्बू का पत्तियां है, सूखा पत्तियां मैंने गिरा हुआ है, बहुत सुंदर देखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बेम्बू से जो फर्नीचर वगैरह आप देखोगे तो आप नज़र हटा नहीं सकते हो, इतना सुंदर है बेम्बू का फर्नीचर, बेम्बू का ऑर्नामेंट, बेम्बू का हैंड बैग मैंने लेडीज़ के लिए बहुत स्टाइलिश है, मैंने क्या बोलूँ, इधर में मिलते हैं। और बेम्बू का एक खासियत है, बेम्बू का रूट, रूट है ना, बेम्बू का रूट में रूट बहुत ही मैंने एकदम डीप, बेम्बू के डीप में जाओगे तो जो रूट नरम रूट मिलेगा ना, एकदम सॉफ्ट रूट मिलेगा, वो हमारे इधर के ट्राइबल लोग है ना, मैंने त्रिपुरा के जो ट्राइबल लोग हैं उनको त्रिपुरी बोलते हैं, त्रिपुरी लोग इसको छोटा 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 पीस करके इसका सब्जी बनाकर खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है और त्रिपुरा का खासियत होते है वो सब्जी, ट्राइबल लोग खाते हैं, इधर में मैक्सिमम बंगाली है लेकिन सब लोग ही हैं, लेकिन ट्राइबल त्रिपुरा का जो आदिवासी होते हैं तो उन लोग इसको सब्जी बनाकर खाते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, इसका ट्रेडिशनल डिश है, इसको गुदक कहा जाता है, जो सूखा मछली और जो बेम्बू का रोट होते हैं नरम सॉफ्ट रोट होते हैं वो छोटा छोटा पीस करके बॉयल करके खाते हैं, बहुत ही मानी टेस्टी बन जाते हैं, मैंने कभी खाया नहीं है, सुना है, और बहुत ही हेल्दी होते हैं बेम्बू का रूट से जो सब्जी बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस के बारे में जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।